और चलिए आगे बढ़ते हुए जौनपुर की खबर का रुख करेंगे, जहां सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर बैठक करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं के साथ यह बैठक वो करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे जनक कुमारी इंटर कॉलेज में ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी, सपा से गठबंधन बरकरार रखने को लेकर फैसला ले सकते हैं। कल सपा ने ओम प्रकाश राजभर को खुला पत्र जारी किया था और उसमें लिखा गया था जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां जा सकते हैं। उसके बाद अब देखना यह है कि ओपी राजभर का क्या डिसीजन, क्या फाइनल निर्णय उनका रहने वाला है। आज बैठक होगी सुभाषपा की, दोपहर 1 बजे ये बैठक होगी, यानी कुछ देर बाद जो है ये बैठक होगी, जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि सुभाषपा और सपा का गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं। चूंकि बीते कुछ दिनों से लगातार आपको बता दें कि बयानबाजी का दौर चल रहा है, जिस तरह से ओपी राजभर बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं और अखिलेश यादव को सलाह देते हुए नजर आए थे कि एसी कमरों से बाहर निकले, जनता के बीच जाएं, काम करें, उनकी समस्याओं को सुने। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे उसमें ओपी राजभर ने एनडीए को पूरा सपोर्ट किया, द्रौपदी मुर्मू को, और जिसको लेकर भी अब अखिलेश यादव की नाराजगी है। तो लगातार ये जो नाराजगी का दौर है वो जारी है। और अगर हम बात करें चाचा शिवपाल की, तो उनसे भी अखिलेश यादव की नाराजगी है। ऐसे में ओपी राजभर और शिवपाल यादव के मुलाकातों का भी दौर लगातार देखा जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि ये बैठक जो है इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये स्पष्ट हो जाएगा ये गठबंधन आगे बरकरार रहने वाला है या नहीं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन का सीधे रुख करेंगे, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजन, जिस तरह से लगातार नाराजगी का दौर चल रहा है, ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें अब तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगे कि आखिर ये गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं, क्योंकि इस गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और दोनों तरफ से नाराजगी भी देखी जा रही है। से ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का साथ दिया है, उसके बाद लगातार ये जो है आरोप प्रत्यारोप सिलसिला चल रहा है, एक गठबंधन टूटने के भी जो है वो आसार नजर आ रहा है। जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी ने एक खुला पत्र जारी किया ओम प्रकाश राजभर को कि आपको जहां ज्यादा सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जो है आज एक अहम बैठक करने वाले और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी एक अहम बैठक करेंगे। जौनपुर के शहर के जनक कुमारी इंटर कॉलेज में 1 बजे ये बैठक जो है वो होनी है, जिसको लेके कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। और उस बैठक में ये बताया जा रहा है कि इन्हीं सब मुद्दों पे अहम चर्चा होगी कि क्या गठबंधन बरकरार रहेगा या गठबंधन तोड़ना है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब ओम प्रकाश राजभर जौनपुर आए हुए थे तो यहाँ पे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर इशारा किया था पहले तलाक होगा उसके बाद फिर जो है निकाह की बात होगी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अखिलेश यादव चाहे तो हमें तलाक दे सकते हैं। तो ये जिस तरह से और ये पत्र भी जारी हुआ सपा की तरफ से, तो उसके बाद आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये जो बैठक है ये उन्हीं मुद्दों को लेकर होगी, गठबंधन बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। अब देखना ये है कि ओम प्रकाश राजभर आज बैठक करते हैं तो किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं और क्या कुछ कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हैं और गठबंधन को लेकर क्या रणनीति वो बनाते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके साथ ही इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, कुछ जानकारी मिल पा रही है राजन? जी देखिए, अभी तक फिलहाल जहां तक ये जानकारी है कि भी इसमें कार्यकर्ता शामिल होंगे, विधायक कौन कौन शामिल होगा ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। क्योंकि पहले ये पता चल रहा था कि संभवतः सभी विधायकों के साथ ही बैठक की जाएगी, लेकिन जो खुल के सामने आया वो पता चला है कि कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक ओम प्रकाश राजभर यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि जौनपुर के जो विधायक उनके हैं वो इस बैठक में आ सकते हैं, जैसे जफराबाद के विधानसभा के विधायक है जगदीश नारायण राय, वो हो सकता है संभवतः शामिल हो, लेकिन अभी किसी तरह के विधायकों के आने की कोई सूचना नहीं मिल रही है। कार्यकर्ता शामिल होंगे और ओम प्रकाश राजभर उनके साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। जी, यानी कि इस बैठक में उस पत्र का जवाब मिलेगा जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां रहना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल पत्र जारी हुआ और उसके बाद ताबड़तोड़ ये जो है आज बैठक ओम प्रकाश राजभर के द्वारा की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आशंका ये जताई जा रही है कि उस पत्र का जवाब ओम प्रकाश राजभर आज देने वाले हैं और क्या कुछ जवाब देंगे बैठक करने के बाद, क्या कुछ वो फैसला करेंगे, गठबंधन बरकरार रखते हैं या तोड़ते हैं, क्या कुछ उनका फैसला होगा ये बैठक के बाद ही खुल के सामने हो पाएगा। फिलहाल कार्यकर्ता जो है वो बैठक की तैयारी में जुट गए और कुछ ही देर बाद 1 बजे जो है यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर बैठक करने के लिए आएंगे और बैठक होगी। जी बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव ये हिंट देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपको पार्टी के साथ रहना है गठबंधन में तो रहिए, नहीं तो फिर आप जहां आपको अच्छा लगे वहां आप जाइए, चाचा शिवपाल के लिए भी इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं हिंट दे चुके हैं, अब ओपी राजभर के लिए भी हिंट दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर जब इस तरह से मनमुटाव चल रहा है तो फिर पार्टी कैसे आगे बढ़ पाएगी? बिल्कुल,
चल ही रहा है, चाहे शिवपाल की बात करें या फिर ओम प्रकाश राजभर की बात करें, तो दोनों लोगों से जो है वो चल रहा है। और जिस तरह से पत्र कल सपा ने जारी किया है ओम प्रकाश राजभर को और शिवपाल को, जहां आप लोगों को ज्यादा सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं। उसके बाद और इसके पहले भी हालांकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर बोलते चले आए अखिलेश यादव को लेकर के कि आजमगढ़ का चुनाव हो चाहे रामपुर का चुनाव हो तो इसी कमरे में बैठ के चुनाव नहीं संपन्न कराया जा सकता, चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो लगातार वो बोलते चले आए। और ये जो चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, इसमें भी जिस तरह से अच्छा इस तरह का पत्र क्या चाचा शिवपाल के लिए भी जारी किया गया है, चूंकि एनडीए को तो सपोर्ट उन्होंने भी किया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक हमें जो जानकारी है ये पत्र जो है ओम प्रकाश राजभर के लिए जारी किया गया था, और ये भी बताया जा रहा है कि संभवतः शिवपाल के लिए भी इस तरह का पत्र जारी किया, क्योंकि उनका है कि आप लोगों को जहां ज्यादा सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, किस तरह सम्मान मिलने की बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर, आज वो बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद ही क्लियर होगा कि उसकी क्या रणनीति है, गठबंधन वो बरकरार रखना चाहते हैं और किस तरह से वो इस पत्र का जवाब आज अखिलेश यादव को देते। ठीक है, चलिए राजन अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे फिलहाल।